अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुगर एंड स्पाइस में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो है मिनी जिंगर बर्गर। ये देखें, ये मैंने इस तरह से मिनी बर्गर के बन ले लिए। 6 अदद सलाद के पत्ते लिए हैं मैंने। ये है कॉर्नफ्लोर, और ये 1 अदद अंडा लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च लिए, नमक मैंने हब से ज़रूरत लिया है, और ये 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, और 2-3 चुटकी मैंने तकरीबन पिंच वो ले लिए काली मिर्चों के, और ये कॉर्नफ्लेक्स। ये मैदा है 3-4 टेबल स्पून, और ये देखें जिंगर के मैंने इस तरह से ब्रेस्ट पीस ले लिया था, और उसके मैंने छोटे पीस करवा के इसको मैंने फ्लैट कर दिए। आप किसी भी चीज़ से हैमर ले लें, किचन हैमर होता है उससे कर लें, या फिर बेलन से, जिससे भी आप करना चाहें वो कर लें। ये देखें इस तरह बिल्कुल पीस बना लें छोटे से। ठीक है, ये हो गए, और ये है मस्टर्ड पेस्ट। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम चिकन लेंगे एक बाउल में, इस तरह ये चिकन के पीस। ये सारे एक बाउल में हम डाल देंगे इस तरह। साथ ही हम इसमें ये काली मिर्चें, नमक लूँगी, ये 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट में इसमें डाल दी, ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको कम से कम हम आधे घंटे के लिए रख लेंगे इस तरह। इतनी देर में मैं बैटर तैयार करती हूँ। देखिए, एक बाउल मैंने लिया है, इसमें ये मैदा मैं ऐड कर रही हूँ। ये अपनी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी ले सकते हैं बैटर, क्योंकि इसका बैटर तैयार होगा। ये कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च और बेकिंग पाउडर, इसको इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसमें हम ये एक अंडा ऐड कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसमें पानी की ज़रूरत होगी, थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे। ठीक सा बैटर हम इसमें तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हम। इतना ज़्यादा ये पतला भी ना हो और इतना ज़्यादा ठीक हो, बस ऐसा हो कि हम इसको यूं करें तो ये इतना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा और पानी जाएगा। ये देखें चिकन हमने जो मैरिनेट करके रखे हुए थे चिकन फिले, इसको 1/2 घंटा हो गया और बैटर भी मेरा तैयार हो गया। तो आइए अब इसकी वो करते हैं कोटिंग। ये इस तरह हमने एक फिलर पकड़ा है, और ये इसमें कोटिंग की है इस तरह से, और फिर हम इसमें करेंगे कोटिंग इसकी। ये देखिए, ठीक है, इसमें करेंगे हम कोटिंग। और इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तेज़ बिल्कुल नहीं करेंगे आंच को, क्योंकि फिर चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने सारे तैयार कर दिए हैं। आप चाहें तो डबल कोटिंग भी इसकी कर सकते हैं 1 से 2 दफ़ा। और ये देखें, मैंने हल्की आंच में आयल रखा था गर्म होने के लिए, ये गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये, और ये कोटिंग वाली चीज़ को हम इतनी जल्दी उलट पुलट नहीं करेंगे, कम से कम भी 10 मिनट इसको पकने देंगे। ये देखें, ये देखिए मेरे जिंगर फिलेट तैयार हो गए। ये देखें, हल्की आंच पे मैंने इसको तरीके से, ये
बिल्कुल ये चिकन गल गया है अंदर तक और ये बहुत ही क्रंची से और मज़े के बने हैं। हम इसकी फिर बर्गर में फिलिंग करते हैं, इसको हम डिश आउट करते हैं। तो आइए अब हम ना कोल्सलो सैलेड तैयार करते हैं। ये मैंने बन गोभी ली एक छोटी सी, बिल्कुल हाफ कप, एक कप, और गाजर हाफ मैंने लिए। इसको मैंने बिल्कुल कद्दूकश कर लिया है दोनों चीज़ों को। अब मैं इसमें एक बाउल में मायनीज डालूंगी, चार से पांच टेबल स्पून, ठीक है, काली मिर्चें और नमक इसमें ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा नमक और ये थोड़ी सी मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये हम इसमें ऐड करते हैं। इस तरह अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इतनी देर हमने पहले मायनीज और उसको फेंटना है चीके, चीनी के दाने भी इसमें घुल मिल जाए, मुँह में ना आए हमारे। ये देखें ये मिनी बर्गर थे, ये मैंने इसको दो हिस्सों में कटिंग कर ली है, देखें इस तरह। तो सबसे पहले हमें इस पर मायोनीज लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से इसे मेयोनीज लगाते हैं और ये सलाद के इस पर इस तरह से पत्ते रखते हैं। ये देखिए जिंगर के इस तरह दोनों पीस रख के ना हम इस पर ये सारे इस तरह मैं रेडी करके आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारे जिंगर बर्गर तैयार है और साथ ही कोल्सलो सैलेड भी। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरी पहली रेसिपी की तरह आप लोगों को ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।